स्वागत है आपका आपके अपनी ही चैनल में। कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी होस्ट प्यारी दोस्त ऋचा शर्मा। फ्रेंड, आज बहुत दिन बाद आपके लिए लेके वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलती हूँ घुमाने फिश कार्निवल। नाम से आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर मछलियाँ ही होंगी। ये हमारे शहर में ये फिश कार्निवल लगा है, और भी चीज़ लगी, दुबई थीम है और सिंगापुर वगैरह इस तरीके की थीम है। तो हम लोग ये फिश कार्निवल गए थे क्योंकि ये हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर था, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी ही निकल गए थे। वैसे भी इसकी टाइमिंग 5 बजे थी, तो हम लोग 5:30 तक यहाँ पहुँच गए थे। यह टिकट की दर है ईच पर्सन 100 रुपीज़, और 3 साल से ऊपर की बच्चे की टिकट लगती है। ये देखिए, अभी क्योंकि दिन सही है, आपको पता है गर्मियों के दिन में तो दिन काफ़ी देर में अंधेरा होता है, और इधर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है 2-3 दिन से कि आज पता नहीं कैसे संडे को बारिश नहीं हुई, तो हम लोगों ने जाने का प्रोग्राम बना लिया। ये देखिए, एंट्री के बाद इस तरह से एक गैलरी सी पड़ती है, उसमें बड़े बड़े ये पोस्टर स्केच से लगे हैं, जहाँ पे सब लोग, कुछ लोग सेल्फी वगैरह और मतलब फ़ोटो शूट करा रहे थे, काफ़ी सारे थे। अगर मैं उन सबको करूँगी तो पता चला पूरा वीडियो उन्हीं से बच जाएगा, इसलिए मैंने 1-2 फोटो ही लिए हैं। ये देखिए, बारिश की वजह से फिर वहाँ पे पट्टी वगैरह डाली। अब हमने एंट्री कर लिए फिश का जो गैलरी है वहाँ पर। अब लोग आना शुरू हो गए हैं, आप देख रहे हैं कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ लग रही हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे अलग अलग कलर्स की फिश थी, तैर रही थी, जो इस तरह देखना बहुत अच्छा लगे। देखिए कितनी नन्नी नन्नी सी मछलियाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ओ माय गॉड, ये जो फिश है आपको देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन ये कम से कम 2.5 फीट 2.5 फीट की होगी। बहुत बड़ी मछली थी ये भी बड़े मज़े से अपने तैर रही है। देखिए, इसके साथ इसका पेयर भी है, तो सब लोग बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। और मतलब छोटी बड़ी सब तरह की मछली हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में ये फिशेस थी। ये देखिए, ये कितने आराम से मुआयना कर रही है, देख रही है, बल्कि हमें तो देखिए वाइट फिश, सारी वाइट है, बहुत सुंदर लग रहा था तैरती हुई देख के। अब इनसे मिलिए, ये है सोनिया। ये सोनिया मुझे यहीं पर मेरी से मुलाकात हुई, और ये मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, तो इसको शूट करना तो बनता ही बनता है। तो मैंने सोनिया की भी 1-2 पिक ली। आपको याद होगा फ्रेंड्स, मैंने अभी लास्ट ईयर भी एक वीडियो डाला था, जब हम लोग एक शॉप पे पेठा खरीद रहे थे, इत्तेफाक से जो शॉपकीपर पे वहाँ पे जो कुछ बॉयज मिले थे, उनमें से एक ने मेरे को सब्सक्राइब किया होता। जब उनसे मैंने जिक्र किया, मुझे इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी, बता नहीं सकती हूँ। तो आज ये सेकेंड टाइम है कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर से मुलाकात हुई है। ये देखिए, ये इस तरह से ये गैलरी है, और पर मन नहीं कर रहा था बाहर जाने का क्योंकि लाइटिंग वगैरह की वजह से बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो मछलियाँ देखी हैं पर इतनी अलग अलग तरीके की। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके है जैसे बादलों की। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। फ्रेंड्स, अब हम लोग बाहर ग्राउंड में आ गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं,
तो बारिश की वजह से आप देख रहे होंगे मिट्टी काफी गीली है, मतलब संडे होने के बाद भी उतनी ज्यादा भीड़ नहीं है। वैसे अब लोग आना शुरू हो गए हैं, पर एक तरीके से अच्छा ही है। ज्यादा भीड़ होती है तो फिर ज्यादा परेशानी होती ही है। और वैसे भी ये सेल चलते चलते यहाँ पे कम से कम 1 मंथ हो चुका है, अब खत्म होने वाला है। मैं तो अब गई हूँ, पर यहाँ पे सारी चीजों की स्टॉल है। और आप देखिए, जैसे कि इस तरह के जो मेले वगैरह लगते हैं उसमें सामान बहुत कॉस्टली होता है, ये पर कितने कितने यहाँ तक के पर हैं? कुछ भी अलग अलग सामान रेट है। कॉस्टली नहीं था। ये देखिए, ये सारे जो ज्वेलरी ये आइटम है, देखिए 30 रुपीज अंगूठियां बड़ी वाले प्यारी ईच है, प्यारी हैं, ये 30 रुपीज ईच हैं। ये सारे मतलब कुछ भी लीजिए, वीडियो तो डालूंगी सही है अगर इतनी ब्यूटीफुल हैं तो। इसके बाद मैं आपको आगे की शॉप्स वगैरह भी अपनी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 20 रुपीज ईच सारा सामान है, छोटा बड़ा स्टेशनरी है, बुक्स है, कंघा है, और ये कितनी सारी चीजें हैं केवल 20 रुपीज़ में आप जो चाहें। ये देखिए, ये क्रॉकरी है, यहाँ से मैंने भी कुछ परचेज किया है, वो मैं आपको इसमें दिखा नहीं रही हूँ, बस मैं आपको बता दूंगी क्या लिया मैंने। तो इसके रेट्स भी बिल्कुल यूजनेबल थे, एक मतलब अगर ज़्यादा महंगे हो। ये देखिए, खाने पीने का भी सारा इंतजाम है, मैगी, चाउमीन, छोले भटूरे, डोसा और सब कुछ, बर्गर वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। ये देखिए कितना सारा सामान है, इसमें से कुछ भी आप परचेज कीजिए 10 रुपये का। ये वाला एक छोटा सा पर्स मैंने लिया है, और मैंने कुछ क्लेचर वगैरह ये सब आइटम भी लिए थे यहाँ पर, क्योंकि अब 10 रुपये और 20 रुपये में सामान था तो भीड़ बहुत टूट रही थी। ये देखिए, भूत बंगला, लेकिन अंदर अलाउ नहीं था तो फिर की शूटिंग करना, इसलिए मैंने मतलब बाहर से इसका लुक आपको दिखाया है। ये देखिए कितने सारे झूले हैं, बच्चे बहुत तरह के झूले थे। ये देखिए, बचपन अपना याद आ गया, क्योंकि जब हम छोटे थे ना, हमें भी बहुत अच्छा लगता था इस तरह का। छुक छुक गाड़ी चल रही है, बच्चे तो बहुत ही खुश थे। और लाइटिंग वगैरह होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी जब जाते होंगे अपने बच्चों के, ये देखिए ये सारे ये नमकीन का स्टॉल है, ये एक जयपुर से आए हैं ये भाई। 70 की 250 बहुत तरह की यहाँ पे देखिए लाइन से नमकीन वगैरह लगी है। मेरी पूरी कोशिश है मैं आपको एक एक लुक तो सब चीज का दिखा पाऊँ। ये देखिए, ये क्रॉकरी, ये छोटी छोटी प्लेटें हैं, कटोरियाँ चटनी की, और आपके सामने ये बोर्ड लगा है ओनली 10 रुपीज़, तो काफ़ी रीजनेबल है। ये 20 रुपीज़ में ये थोड़े बड़े साइज की ट्रे और बड़ी प्लेटें हैं, क्वार्टर प्लेट जिसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें, ये कप वगैरह सारे हैं। मैंने तो खैर थोड़े अच्छे वाले लिए थे, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखिए, पानी में छोटे बच्चों की ये चला रहे हैं अपने हाथ से, बच्चे तो बहुत ही खुश थे। मतलब मेन इस तरह के जो मेले वगैरह होते हैं बच्चों के लिए, एक फैमिली का वो हो जाता है फन पूरा। हमारे घर से ज़्यादा दूर था इसलिए हमें पूरी कोशिश थी जल्दी निकलने का। ये देखिए, दूसरे स्टॉल पे भी सारी चीज़ें 10-10 रुपीज़ की हैं यहाँ पर। मतलब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाले देखिए कप है, ये 50 रुपये में 6 हैं, और ये वाले 1 से हैं। इधर ये थोड़े अच्छे वाले हैं, ये वाले जो ये भैया ले रहे हैं ये मैंने ही लिए हैं, और ये 80 के 6 थे, पर इस पर बिल्कुल वाइट कलर की थी, गोल्डन धारी थी, तो काफ़ी अच्छे लगे मुझे, मैंने लिए। इधर देखिए, ये ट्रे वगैरह डिब्बे वगैरह सब बहुत रीजनेबल, वही 40-50 रुपये से ऊपर कुछ नहीं था यहाँ पर। ग्लास जरूर थे तो 80 के और 100 के थे, पर मुझे 100 वाले तो ज़्यादा डेलिकेट से लगे थे, मुझे डेली यूज़ के लिए चाहिए थे, तो मैंने 80 रुपये में 6 वाले ग्लास लिए। क्योंकि डेली में अगर हम बहुत डेलिकेट बहुत नाजुक वाले लेते हैं ना तो फ्रेंड्स वो बहुत जल्दी टूटने का डर रहता है। ये देखिए, ये वाले जो हैं ये वाले मैंने लिए हैं, क्योंकि आजकल गर्मी है तो ये नींबू पानी और शरबत वगैरह तो आपको पता ही है डेली सही ही बनता है बच्चों के घर में, अब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और मैंने कप ली है, अब टाइम हो गया है, करीब 7 करीब बज रहे हैं, तो हम लोग अब निकल रहे हैं। ये देखिए ग्राउंड में, मतलब अंधेरा होना अब शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको मेरे ख्याल से ब्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं जल्दी से एक बहुत अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।